ये तस्वीरें भोपाल के भदभदा शमशान घाट की हैं, जहां एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि छह छह लोगों की चिताएं जलाने की तैयारी हो रही है, जो कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के कहर का आलम यह है कि अस्पताल मरीजों से फुल है तो शमशान घाट लाशों से अटे पड़े हैं। इस समय हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के भदभदा शमशान घाट में और देख पा रहे हैं कि सुबह के 11 बजे हुए हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6 चिताएं जलती हुई हमें मिली हैं और ये स्थान वो है जो कि कोविड पेशेंट के अंतिम संस्कार के लिए चिन्हित किया गया है। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि पास में अन्य चिताएं बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो रही है, यानी और भी अब डेड बॉडीज़ आने वाली हैं और अकेले भदभदा नहीं बल्कि भोपाल के जो दूसरे शमशान घाट हैं वहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं। अकेले हम 13 अप्रैल की बात करें तो देखिए, एक और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक और डेड बॉडी यहाँ पर आ चुकी है और जाहिर तौर पर है जिस प्रोटोकॉल के साथ डेड बॉडी को लाया गया है, ये जो डेड बॉडी है कोरोना पेशेंट की है, कोरोना मरीज की ही है। और देखिए हालात इस तरह से बन चुके हैं यहाँ पर कि एक के बाद एक लगातार डेड बॉडीज़ का आना, जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। भदभदा शमशान घाट की तरह शहर के दूसरे शमशान घाट और मुक्ति धामों का भी हाल यही है। हालांकि जलती चिताओं और सरकार के आंकड़ों में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। सरकार मौत के आंकड़े बेहद कम बता रही है, जबकि शमशान घाट में लगे लाशों के ढेर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कोरोना की अगर आप बात करें तो कोरोना के लिए हमारे पास 48 शेड है जहाँ बॉडी अभी हो रहा है जिनका दाह संस्कार, और सामान्य के करीब हमारे पास अभी 2300 शेड है। शमशान घाट के कर्मचारियों का कहना है कि हर दिन यहां पर 25 से 30 कोरोना संक्रमित लोगों की डेड बॉडी आ रही है, जिसके चलते अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। और हमने अभी 2-3 दानदाताओं से निवेदन किया है और आने वाले 2 से 3 दिन में हम 15 से 20 नए चिता स्टैंड और डेवलप करेंगे, जिससे जो मृतक के परिजन हैं बेचारे आते हैं तो हम उन्हें जल्द से जल्द 1 घंटे में दाह संस्कार करके उनको विदा कर सके। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि कोरोना से मौत होने के बावजूद प्रशासन मौत का कारण कुछ और ही बता रहा है। जहां एक तरफ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खुलासे में सरकारी आंकड़ों की पोल खुल गई, वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अब भी ये दावा कर रहे हैं कि सरकार मौत के आंकड़ों के साथ कोई हेराफेरी नहीं कर रही। भले ही सरकार मौत के आंकड़ों को छिपाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत सरकार के दावों की पोल खोल रही है। ऐसे में साफ है कि जिस तरह से अपनी नाकामी छिपाने के लिए फर्जी आंकड़ों का सहारा लिया जा रहा है वो न केवल अमानवीय है बल्कि महामारी के इस दौर में शर्मनाक भी है। राकेश चतुर्वेदी, भोपाल, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।